हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं सचिन राजपूत और ये देखिए ये पार्क कितना बढ़िया दिख रहा है आपको। और आज कुंजों की टीम पहुंची है दिल्ली में NSC कॉम्प्लेक्स में इंडिया एक्सपो 2023 एक रोड शो में। और मैं भी आपको दिखाऊंगा, ये देखिए बोर्ड दिख रहा है फूड एक्सपो 2023 रोड शो। अभी हम जाएंगे अपना प्रोग्राम करेंगे, डेमो देंगे। ये देखिए कितना बढ़िया व्यू है और ये दिल्ली की सारी बसें खड़ी हुई दिख रही हैं आपको। ये देखिए कोई नहीं है, दूर दूर तक कोई नहीं है, कितना सुंदर। और हमारे फौजी भाई बैठे हुए हैं और हम चल रहे हैं अपना रोड शो करने के लिए 2023 रोड शो में। आए हैं हमारे साथ आयुर्वेदिक किसान भाई, एक्सपर्ट दो किसान भाई हैं जो महाराष्ट्र से आए हुए हैं इस रोड शो में। ये अपने प्रोडक्ट्स के बारे में डेमो देंगे। ये देखिएगा मुस्कुराहट, देखिए इनके बा चेहरे पे इनके प्रोडक्ट की। और अभी हम जा रहे हैं और ये आ गए हैं ऑफिस ब्लॉक इंडिया फूड एक्सपो 2023 रोड शो 25 अगस्त 2023। 2 बजे से हमारा स्टार्ट होगा ये। और ये देखिए ये हमारे कौन खड़े हुए हैं, पहचान नहीं पाया मैं इनको, आप कमेंट करके बताइएगा कौन है ये। नेशनल एकेडमी ऑफ ये देखिए कितनी बड़ी बिल्डिंग बनाई हुई है और कितनी सुंदर बिल्डिंग है। ये देखिए पेड़ किस चीज़ के हैं। इंडिया फूड एक्सपो रोड शो वर्टिकल लाइन कॉन्ट्रैक्ट। चलिए चलते हैं, थैंक यू। नमस्कार, मैं सोलापुर डिस्ट्रिक्ट से महाराष्ट्र से आया हूँ और हमारे प्रोडक्ट के बारे में मेरे सहयोगी संतोष कुटाफड़े जी बताएंगे। नमस्कार, मैं संतोष कुमार कुटाफड़े अकोला महाराष्ट्र से आया हूँ। हमारे कुछ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स है, साथ में फूड प्रोडक्ट्स भी है, हर्बल प्रोडक्ट्स भी है जो लेकर प्रेजेंटेशन के लिए हम यहाँ पे आए हैं दिल्ली में। इंडियन फूड एक्सपो का एक रोड शो है, इसमें हम अपना प्रेजेंटेशन देने आए हैं और ये मौका हमें दिया है विंजो की डायरेक्टर तृप्ति दीदी ने, जो कि एक इजीली नहीं मिल पाता है। हम निर्माता है, हम प्रोडक्ट निर्माण करते हैं लेकिन हम अपने ग्राहकों के पास इसी माध्यम से पहुंच सकते हैं और ये माध्यम हमको दिया है, ये प्लेटफॉर्म हमको दिया है तृप्ति दीदी ने जो कि है विंजो की डायरेक्टर। और हमने अपना प्रेजेंटेशन अभी यहाँ पे हमें करना है, हम सब प्रोडक्ट अपने लेके आए हैं भी। अपना रत्नाकर जी अपने प्रोडक्ट के बारे में आपको कुछ बताएंगे। नमस्कार, हमारे प्रोडक्ट है जैसे नेचुरल घी बनाते हैं जो पूरा वैदिक पद्धति से जो हमारे पुराने ज़माने में बना करते थे। और जैसे नारियल का घी है और मेरे मित्र सहयोगी जो है वो पेन रिलीफ ऑयल बनाते हैं और पित्तहरी चूर्ण है, त्रिफला अमृत है, दंत मंजन है, ऐसे बहुत ही यहाँ तो काफ़ी लंबी लिस्ट हो जाएगी लेकिन हम अभी गिने चुने ही प्रोडक्ट आपको बता रहे हैं। पेन किलर ऑयल जो बहुत ही बढ़िया बना रहे मेरे मित्र हैं और मेरे पार्टनर भी जो पिछले 24 साल से बना रहे हैं और लोगों को रिजल्ट दे रहे हैं। और इसकी मार्केटिंग के लिए मौका हमें कुंजों की डायरेक्टर तृप्ति मैडम ने दिया है। नमस्कार, एक किलो
करोड़ तोड़ना है, ऐसा तेजी से इलाज चल रहा है। 2325 और 26 किलो आंवले में सिर्फ 1 किलो बढ़ रही है। तो वो जो पाउडर है वो ये जो गाय के घी में रोका हुआ जो हिड़ा बिगड़ है उसके पाउडर में वो मिक्स किया जाता है। अभी इसका फायदा क्या है, तो इसके जो फायदे है देखो, आपने देखा होगा मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट है जैसे पेट सफाई आयरन चूर्ण है, तो हम लेते भी है और रिजल्ट भी देखते हैं। उसका रिजल्ट जो है ना वो अभी तो लेना पड़ता है, हम इलाज में उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है तो लेना पड़ता है। लेकिन दूसरा रिजल्ट कैसा है कि पेट में आग लग जाएगी, ऐसा एकदम इतना पैसा जाए उसको तुरंत देखना पड़ेगा, कहाँ के वाशरूम में तुरंत जाना पड़ेगा उसको, उसके बाद भी उसका पेट साफ नहीं होगा, उसके पेट में सिर्फ आग लगेगी, इसका वैसा नहीं एकदम सॉफ्ट। शाम को अगर ये रात को लिया तो इसके दो गुंदर है, अगर रात को लेंगे हम तो रचक रचक है, सवेरे लेंगे तो ये पोषक है, पोषक में और रचक में एक फायदा है, अंतर है कि अगर हमको सिर्फ पेट ही साफ करवाना है तो रात को सोते समय दो दोनों पानी एक चम्मच हम इसको लेके सवेरे आसानी से पेट साफ हो जाएगा। हो सकता है कि पहले या दूसरे दिन आपको थोड़ी तकलीफ हो जाए, यानी दो बार जाना पड़ेगा, लेकिन नेक्स्ट डे से आपको सिर्फ एक ही बार जाना पड़ेगा, पेट में आग नहीं लगेगी, सिर्फ पेट साफ होगा, पेट के अंदर जो नसों के अंदर जो वाल ऐसा चिपका रहता ना तो पूरे गंदे एकदम उसके साफ हो जाएंगे, एकदम क्लियर पेट जिसको बोलते हैं वो इससे हो जाएगा। ये होगा रात का लेते से, और अगर हम इसको सवेरे लेके गर्म पानी के साथ में खाली पेट में पेट को साफ होगा ही होगा, लेकिन त्रिदोष नाशक जो हमने लिखा है जैसे वात पित्त और कफ, ये तीन हमारे मेन दोष होते हैं हर इंसान के, जितनी भी बीमारियां हैं ये तीन में से ही आगे चलते हैं। अब वो कितनी है वो उसके ऊपर डिपेंड है कि उसकी लाइफ चलते से सवेरे उठना, योगा करना, खाना पीना, सोना, ये सब चीजें उसके कैसे उसके ऊपर डिपेंड है। तो चाहे उसकी प्रॉब्लम कुछ भी हो, यानी हर कॉमन इंसान है जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं, उसने भी अगर सवेरे एक चम्मच उसको ले लिया तो उसकी हर प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आ जाएगी। उसके बाद ये पित्त भी पूर्ण देखूंगा, इसमें जो है जीरा, जीरे के साथ में अपना अजवाइन पोहा, सेंधा नमक, बड़ी शेप उसको बोलते ना, इन नमकों को लेकर बनाया हुआ है। खाने के आधा घंटा पहले 25 मिनट पहले अगर हम इसको गुनगुने पानी में ले लें तो हम बोलते ना कि ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, जैसे मैदे से महंगी चीजें, या एक होती प्लस जो इंसान है 40 के आगे जो गया है उसका डाइजेशन वैसे ही थोड़ा कम हो जाता है, वो सिंपल खाना भी खा ले तो उसको पचन उसका डाइजेस्ट करने में बहुत उसको स्ट्रगल करना पड़ता है। खाना तो इसीलिए बहुत ईजी है, 40 के बाद ही इंसान को खाना ज्यादा सोचता है कि मैं खाऊं भी लेकिन डाइजेस्ट नहीं कर पाता, तो उसके लिए एकदम फ्रेंडली एक प्रोडक्ट है। और हम मेडिसिन तो इसको नहीं बोल सकते, लेकिन मेडिसिन लेने की जरूरत भी नहीं रहेगी, अगर पेट ही अच्छा है डाइजेशन ही अच्छा है तो उसको तो प्रॉब्लम कैसे तो है, हम मोस्टली हमारे पेट से शुरू होते हैं। तो अभी तो हमने ये लॉन्च किया, वैसे तो हम दे रहे हैं लोगों को लेकिन वो बड़ी मात्रा में नहीं दे रहे, विदिन 30 मिनट सबको मिलेगा पेन्स के लिए। हाँ, अगर इसका हम यूज करें, इसका यूज करने का जो तरीका है, तरीका ऐसा है कि एक किसी भी प्लेट में या किसी बाउल में जो तिल का हो उसमें थोड़ा सा हमको चाहिए उतना लेना है, थोड़ा सा हल्का गर्म करना है गुनगुना और उसको भी यूज करना है, लगाना है, लगा के थोड़ी हल्की उसकी मसाज करना है, विद इन 30 मिनट्स आपको इस करने के लिए इतना बढ़िया ऑयल है। और इसके बाद में ये तो हो गया टेम्पररी, अगर हम इसको कंटिन्यू में रखते हैं, कंटिन्यू यूज करते हैं तो किसी को उसका पेन जो क्या है क्यों उसको दर्द है क्यों पेन हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड है, अगर मिनिमम है तो उसको 30 से 90 डेज तक उसको जड़ से हमें पूरा समोड़ना होता ना समझ रहे, जड़ से उसको रिजल्ट मिल जाएगा। और अगर डीप में है प्रॉब्लम क्या उसकी बड़ी है तो फिर भी उसको 400 डेज तक जड़ से उसका खत्म करने के लिए फायदा करता है, बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट ये वाला। इसके बाद में हेयर ऑयल है, हेयर ऑयल से कंटम खाना बोल, इसमें माका आता है, जटामसी आता है, गौला, कचला, आंवला, हल्दी, ऐसे चीजों से ये बना हुआ है। हाँ, और इसका जो रिजल्ट है, मेरी उम्र अभी 46 है,
मेरी एज 46 है और इसका रिजल्ट आपके सामने है, क्योंकि कोई भी यूज कर सकता है और तुरंत इसका रिजल्ट ले सकता है। जैसे कि अभी बहुत से लोग हैं कि जो हेयर ऑयल यूज नहीं करते, जैसे हेयर ऑयल में मैक्सिमम 90% अपने इंडिया में कोकोनट ऑयल यूज करते हैं हम लोग, जो कि नहीं मिलता अभी प्योर नहीं मिल पाता, जैसा चाहिए हमको वैसा नहीं मिल पाता। तो उसके जो साइड इफेक्ट है वो क्या है कि कम समय में बाल सफेद हो जाना, बाल झड़ना, बाल अनहेल्दी हो जाना, बाल तो है लेकिन हेल्दी नहीं है, कमजोर है, दिखने में अच्छे नहीं है, सेटअप नहीं हो पाते, तो ये सब कारण जो है ना उसी कोकोनट ऑयल के कारण है। और 80% से ज्यादा लोग उसी को यूज करते हैं। फिर उसमें कुछ ऑप्शन आते हैं कि कुछ लोग बादाम का तेल उसमें देखते हैं या समझ के खरीदते हैं, अभी वो है नहीं है वो तो पता नहीं है, लेकिन उसके रिजल्ट क्या है, बादाम तो शरीर के अंदर काम करेगी ना, ऊपर से क्या करेगा। तो ये जो है माता है आगे होता है, सॉरी शादी बनती है, उसके बाद में जठावासी है, ये जो बटन है ये ऊपर से यूज करने के लिए, एक्सटर्नल यूज के लिए स्पेशल, आज से नहीं थी पुराने टाइम से। और इसका जो रिजल्ट है वो हमें तुरंत देखने को अपने को ये मिलता है कि अगर मैंने अभी ये तेल लगाना तो मेरे हाथ को नहीं लगेगा, नॉन स्टिक की, और रिजल्ट जो उसकी शाइन आने को ना वो तुरंत आ जाएगी। अभी जो आपका आप पर्सनल अपने लिए भी अगर आपने थोड़ा सा लगाने के लिए एक फोटो अभी दिखा के लिए और लगाने के बाद लगा लेंगे, आपकी शाइनिंग में चेंज आ जाएगा। मैं ऐसा नहीं बोलता कि आपने जो लगाया घटिया क्वालिटी का, नहीं बहुत अच्छी क्वालिटी का लगाया, लेकिन एक बार लगा के देखेंगे ना आपको पता चल जाएगा कि क्वालिटी क्या है और आयुर्वेद क्या है, ये आपको ये लगाने के बाद आपको पता चल जाएगा। ये है नारियल तेल, इसके बाद में ये त्रिदोष नाशक पाउडर है, इसमें क्या आता है कि आमला, खड़ा और बिहाड़ा, ये तीनों का जहाँ पे सहयोग आता ना तो पूरे वर्ल्ड में उसको त्रिफाड़ा सब बोलते हैं, हमने भी वही डाला है लेकिन हमारा पद्धत अलग है डालने का, जैसा आमला सॉरी बिहाड़ा और हड्डा जो दो घटक है, तो इसको हमने क्या किया कि गाय के घी में भून के पीसा है, और जो आंवला है आंवला के 23 डेज की प्रोसेस करके उसमें आंवला पाउडर में डाली है, 23 डेज की प्रोसेस की थी कि जैसे एग्जाम्पल हमने 1 किलो आंवला लिया वो आंवले की पाउडर बना ली, अब नेक्स्ट डे क्या होता है कि उसमें 2 किलो आंवले का रस निकाल के वो 1 किलो आंवले के पाउडर में डालते हैं, फिर उसको 4 घंटे तक उसको भून दिया जाता है, भूनने के लिए क्या बोलना पड़ेगा मिक्स किया जाएगा, मिक्स किया जाएगा उसको 4 घंटे तक, तेरह सवेरे का, और जो उसका जो दूसरा सेशन आता है वो 2 घंटे के बाद आता है, 2 घंटे मिनिमम 4 घंटे। ये आपका आयुर्वेदिक पेन रिलीफ ऑयल है जी, इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है इसमें लिखा है काओ पंचगव्य, हाँ। इसका क्या तात्पर्य है? पंचगव्य यानी जो गाय के जो 5 चीजें आती है, जैसे गोमूत्र आता है, दूध आता है, घी आता है, दही आता है, और अपना छाछ आता है, ये 5 चीजें होगी, और ये 5 चीजों को मिलाकर हम पंचगव्य बोलते हैं। अब पंचगव्य में का कोई एक चीज भी हम यूज करते हैं, जैसे घी यूज करते हैं तो भी पंचगव्य में का ही आया तो पंचगव्य ही बोल सकते हैं उसका। अच्छा। और 5 चीजें भी अगर यूज कर रहे हैं तो भी पंचगव्य, इसमें हम 5 चीजें यूज करते हैं, 5 चीजें यूज करते हैं, मतलब इसमें जो मेन है इंग्रेडिएंट्स है पंचगव्य का वो है गोमय रस। जी गोमय रस यानी गाय का जो गोबर होता है, गोबर में से जो रस निकाला जाता है निचोड़ के, और कोई भी गाय नहीं, ये तो गावरान गाय चाहिए, भारतीय गाय होनी चाहिए, और उसमें भी अगर खिल्लार गाय है तो उसको ज्यादा महत्व है, खिल्लार गाय कहाँ की ब्रीड है? ये है जैसे मराठवाड़ा में पंडरपुर वगैरह जो है, महाराष्ट्र में भी 2 आती है, एक खिल्लार आती है और एक गावरान आती है, तो ये खिल्लार गाय। तो इसमें सारी आपने आयुर्वेदिक चीजें डाली हुई है, सब नेचुरल है, झाड़ पला है, मस्टर्ड ऑयल है, नीरपुड़ी भी एक झाड़, एक जैसा कि पत्ते आते हैं नीरपुड़ी के, वो वात के लिए या शरीर के दर्द के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, अगर वैसे पर्टिकुलर भी हम नीरपुड़ी से इलाज करते हैं तो
किसी को अगर इमरजेंसी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहे हैं, वात है, कुछ लग गया है, तो निर्गुड़ी के पत्ते लेके अगर उससे सेक ले ना, तो भी बहुत ज़्यादा रिजल्ट है। हाँ, मतलब एक तरह की औषधि है। औषधि है। और ये खांडवेल है वो, एक्चुअली प्रिंट में थोड़ा सा गलती हो गई। हाँ, हार्डवेल बोलते हैं उसको। तो हार्डवेल जो है वो सीधा हड्डी पे काम करता है, हड्डी से संबंधित जो भी प्रॉब्लम हमारी होती है ना, पूरा कवर कर लेता है हार्डवेल। एक हल्दी है, अम्बा हल्दी, सेंधा नमक, नीम, खिल्लर का पंच के, खंडू चक्का भी एक औषधि है। हाँ, मतलब ये सारी चीज़ें जो है महाराष्ट्र की स्पेशलिटी है। हाँ, ये सिर्फ महाराष्ट्र की नहीं, अभी इसमें जो खंडू चक्का है ये भी ऑल ओवर इंडिया में चलता है। झिरपुड़ी ये भी ऑल ओवर इंडिया में चलता है। अम्बा हल्दी ये तो इंटरनेशनली है, यानी सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी अम्बा हल्दी बहुत ज़्यादा चलती है, लोगों को उसके बारे में पता है। खास तरह की हल्दी है या नॉर्मल हल्दी है? नहीं, खास तरह की हल्दी है, जो नॉर्मल हल्दी हम खाते हैं ना वो अलग है, ये अलग है। अच्छा, ये अलग है। जो नॉर्मल हल्दी जो आती है ना वो सेम के टाइप आती है। इसका क्या क्या फायदा होगा तेल का? इससे जैसे कमर दर्द, कमर घुटना, पीठ, स्पॉन्डिलाइटिस, हाथ विकास, जॉइंट पेंस, मसल पेंस, सूजन वगैरह हो गया, उसके बाद में हड्डी के प्रॉब्लम, नसों के प्रॉब्लम, मसल के प्रॉब्लम, ये सभी चीज़ों के, सभी प्रॉब्लम्स पे एक जड़ से सॉल्व करने की ताकत रखती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब एक तरीके से आपने पूरा कंप्लीट पैकेज दे दिया। हाँ, बिल्कुल, ऑल इन वन है, यानी किसी भी पेंस अगर हो रहा है तो उसका पेन का रिजल्ट जो भी है, रीज़न होता है ना हर चीज़ का, पेंस हो रहे तो रीज़न है, क्या कारण है, कारण, हाँ क्या कारण है पेंस होने का। किसी को वात हो सकता है, किसी को कुछ लगा हुआ हो सकता है, किसी की हड्डी में प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को गैप हो सकती है, किसी को मसल में प्रॉब्लम हो सकती है, जो भी रीज़न है हर एक चीज़। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, ये तो लोगों के लिए बड़ी बड़ी लाभदायक चीज़, लाभदायक चीज़ है। असं म्हणत हो, आम्ही अनपढ आम्ही खरं आम्ही त्यांना खरंच वोट करत नाही म्हणा, म्हणून तर मोदी निवडून येतात म्हणा, असं म्हणत होतो। खरं मी सांगतो तुम्हाला शब्दरचना कशी असली पाहिजे, म्हणजे त्याच्याच त्याच्याच भाषेत त्याचाच तोंड बोलतो ना। बाल नहीं बढ़े तो चल चल, बाल नहीं बढ़ेगी उसके लिए हम क्यों ऐसा देंगे आपको? गलत आयुर्वेद वाला है ना ये, आपने अभी तक केमिकल वाले लगाए, बराबर है ना? जो ऐड आते हैं टीवी पे, बराबर है ना? आप वो ऐड देख के पागल हो जाते हो, वो हीरोइन के इतने बड़े तो मेरे क्यों नहीं बड़े? और जाते हैं मेडिकल में लेके आते, बराबर है? बहुत कुछ लगाया है ना बाल बढ़ने के लिए। तो ये लगाओ आप, ये करो एक बार तो पता चलेगा। हाँ, ये 250 का। तो कल इसकी छोटी बॉटल ही है, छोटी बॉटल नहीं बनाई अभी, ये 100 ml का है, आगे देखेंगे हम 50 ml का भी बनाए। बनाओगे तो मेरे को बता देना। हाँ, ये अंकल के पास आ जाना। कौन से? ये दुकान में यह लगाएंगे प्रोडक्ट। आज ही लगेगा बसंत? नहीं आज ही नहीं, अभी तो आज ही, अभी तो आज ही है। जैसे मैं इनके ये बार बार मिलेगा यहीं पे मिलेगा, लेकिन इसमें इधर 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 ये दुकान बेटा, ये दुकान देखिए, कम से कम 100 ml आपको चाहिए। हाँ, एक बॉटल में तो आपकी सारी समस्या खत्म हो गई। एक महीना आप दूसरा तेल यूज करते हैं ना, कोई भी नारियल तेल यूज करते हैं जो भी है, उससे अच्छा फिर ऐसा लगाओ जिससे फायदा है, जो आपकी समस्या जड़ से खत्म हो जाए, हर महीने आपको बार बार लगाना नहीं पड़े। हाँ, मजबूत हो जाएगा और लंबा होगा। तो आपकी सहेलियाँ पूछेंगी कि कहाँ से लिया है, तो मुझे भी बताना। सही में हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बेटा, यही मिलेगा सबसे पहला रिजल्ट की, जो स्टाइलिश वालों के लिए, स्टाइलिश वालों के चक्कर में बहुत से बच्चे हैं कि जो तेल ही नहीं लगाते। हाँ, नहीं लगाते, नहीं बहुत सेंसिटिव हो गए बाल जैसे। हाँ, तो ये अगर लगाएंगे ना हम, तो इससे स्टाइलिश बाल में भी कोई बाधा नहीं, क्योंकि नॉन स्टिक है। अच्छा, चिपचिपा नहीं है, नहीं कोई फसादी हो तो कुछ होगा। हाँ, फिर अंकल जैसे हम पैसे लगा नहीं होगा बेटा, बेटा कहीं महिला और ये उम्र वाले हैं उनको भी दिया हो। आप ये
पूरी तरह से नेचुरल है, इसमें ना कोई केमिकल है, आप देख लीजिए, देख सकते ना कोई इसमें केमिकल यूज किया है, ना कोई आप खुशबू भी जान सकते हो। और इसको आप इस नारियल की घी को आप चाहो तो गाय के शुद्ध देसी घी से भी आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपको घी हजम नहीं हो पा रहा, आप घी नहीं बचा पा रहे, घी आप नहीं खा पा रहे, ऐसी स्थिति में आप इस घी को यूज करके, क्योंकि ये बहुत हल्का है पचने के लिए, और ये जो है ना हमारी जो नसें होती है, नसों को पूरी तरह से सॉफ्ट कर देता है, कोलेस्ट्रॉल को भी कम कर देता है, और जो हमारे पेट से जुड़ी हुई समस्याएं है, नसों से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं, वो समस्याएं जड़ से हल्का देता है। ये हम नारियल घी की खासियत है। इसके बाद मैं बताना चाहूंगा आपको, टेन किलो आयु में आप देख सकते हैं,